Hello, students. How are you? I hope you all are good. So, today we are going to read a lovely poem, Love Without Home. So, let's read about the poem. The concept of the poem is Love Without Home is no love, and a home without love is no home. It's touching and spectacular, sweet and simple truth indeed. तो ये पोम है हमारे किसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर छोटे से कि हमारा जो होम होता है वो विदाउट लव है ना कैसा होगा अच्छा होगा क्या आई डोंट होप सो है ना हम तो ऐसा विश्वास नहीं करते कि ऐसा होगा तो लेट्स रीड अब द पोम जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल फोर लिटिल लेटर्स अन टू ईच एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल द वाइड एंड ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच द मोर सो टेंडरली कंप्लीट वेन एंजल्स talk in heaven above i am sure they have no words more sweet than home and love so yeah. जो छोटी सी पोम है कि इसके ऊपर जस्ट होम एंड लव के ऊपर कि होम और लव कैसे कनेक्टेड है ना तो ये जो वर्ड्स है छोटा सा प्यारा सा तो लिटल लेटर्स अन टू ईच जो हमने पहले कैसी वो जो पुरानी पुरानी बातें सुनी होती है ना तो उसको अन टू ईच बोलते हैं तो अन टू ईच उनके बारे में है और हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर वाइड एंड ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच मतलब वाइड और जेंटली जो स्पीच बोली जाती है उनको भी हम सुनते रहते हैं जो कैसे एक बड़े लेवल पर भी खत्म होती है कभी कभी छोटे लेवल पर ख़त्म हो जाती है जिसमें जो एंजल्स होती है वो हेवन एंजल्स टॉक इन हेवन अब जो एंजल्स है वो बात करती है हेवन के बारे में आई एम श्योर दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट और इससे ज्यादा स्वीट वर्ड कहीं पर भी नहीं हो सकते जो स्वीट वर्ड है हमारे देन होम एंड लव जस्ट होम एंड लव इट्स हार्ड टू गैस विच ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन होम विदाउट लवस बिटरनेस लव विदाउट होम इज ओफन पेन तो यहां पे बता रहे हैं कि जो होम है और लव है ये इट्स हार्ड टू गैस इसको गैस करना ही काफी डिफिकल्ट है ओके okay? तो इसके बारे में क्या बोलते हैं कि टू बेस्ट टू गेन और इसको लेना वो और ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि होम विदाउट लव अगर लव के बिना हमारा होम कैसा होता है बिटरनेस हो जाएगा मतलब उसमें कैसा होगा उसमें स्वीटनेस रहेगी नहीं तो वो कैसा होगा बिटरनेस हो जाएगा और होम कैसा होगा पेनफुल भी बन जाएगा तो is the each alone will seldom do somehow they travel hand and glove if the wind one you must have to बोथ होम एंड लव तो यहाँ पे बताया कि जो घर है वो कैसे स्वीट होना चाहिए सिंपल होना चाहिए उसके अंदर कितनी पीसफुल मैनर होना चाहिए उसके बारे में बताते हुए बता रहे हैं कि कैसे दे ट्रैवल हैंड एंड लव और वो कैसे ट्रैवल करते हैं घर में इधर उधर जाना आना उन चीज़ों को जीतना हारना हर चीज़ को शेयरिंग की आदत होती है

है ना होल डे लॉन्ग पूरा दिन गाना गुनगुनाना करते रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू आर पुअर हो है ना आपके पास घर है अपना अच्छा घर है तो वो कैसा है वहाँ पर आप मेक डिवाइन योर सॉन्ग कर सकते हो प्रेसफुली उनको रिपीट कर सकते हो एंजल्स बताती है ये कैसा होता है ये एक की तरह होता है हमारा घर और जिसके अंदर मोर सिंपली स्वीट्स होता है इसलिए हमारे घर को हम बोलते हैं होम एंड लव कि होम और लव का किस तरह से लिंक्ड है, है ना जिस घर के अंदर लव है तभी वो घर कहलाता है अदरवाइज उसके अंदर कैसी नेगेटिविटी चीजें आने लगती हैं इसलिए अपने घर में क्या रखना है हमेशा प्यार बनाकर रखना है हर एक फैमिली मेंबर्स को बातें सुननी भी है बोलनी भी है और हर तरीके से अप्रिशिएट भी करना है तो यही चीजें क्या करती हैं शेयर केयर आपस में प्यार को बढ़ाती हैं लव को बढ़ाती हैं और स्वीटनेस लेके आती हैं तो ये छोटी सी पोम थी बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आगे से इसको दोबारा से पढ़ना रिपीट भी करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग